Hello guys, this is Neil Srivastava, and in this session we are going to discuss about new law of Ministry of Corporate Affairs extension of various compliances. इसमें हम लोग जो है कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कुछ नए रूल्स हैं, रेगुलेशंस आए हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज को लेकर के. जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज क्या होती हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ. सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज वो होती हैं जिसमें आप एक से मतलब दो से ज्यादा, कम से कम दो पार्टनर्स होते हैं उस कंपनी में, ठीक है. एंड लो फॉर्मेशन कॉस्ट, ऑब्वियसली जब एक से ज्यादा लोग मिलकर के किसी कंपनी को एस्टैब्लिश करेंगे तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. नो कंपल्सरी ऑडिट, ऑडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी देयर आर मेंबर्स हु आर स्टिल वॉचिंग वॉट इज हैपनिंग इन द कंट्री, ठीक है. मतलब वो हमेशा देखते रहते कि कंपनी में क्या हो रहा है. इजी टू एस्टैब्लिश, तो सीधी सी बात है, अगर कॉस्ट कम आ रही है, कई लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो इजीली स्टैब्लिश हो जाएगी वो कंपनी. एंड लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसका मतलब कि अगर ए पर्सन कोई गलती करता है तो उस पर उसकी लाइबिलिटी बी पर्सन पे नहीं आती है, ठीक है. एंड टैक्स बेनिफिट्स भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो ये होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी, ठीक है, LLP जिसको बोला जाता है. सो नाउ बींग द सेपरेट लेजिस्लेशन, LLP Act 2008, मतलब कि 2008 में LLP Act आया था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. तो इस प्रोविजन में हुआ क्या कि कंपनीज को ये प्रोवाइड किया गया कि आप जो है, मतलब लोगों को ये फ्रीडम दी गई कि आप जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के, ओके वेट अ मिनट, या सो आप दोनों जैसे कि दो तीन चार जितने भी लोग चाहे उतने लोग मिल करके साथ में एक कंपनी बना सकते हैं. एंड कंपनी बनाने के बाद अगर एक पर्सन कोई गलती करता है तो उसकी लाइबिलिटी बी पर्सन पे नहीं आती. सो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या नया है? अदर कंपनीज में ऐसा होता है कि लाइबिलिटी सबके ऊपर आती है. अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या इसके ऊपर डिसीजंस लिए हैं और क्या स्टेप्स लिए हैं इसको बेटर बनाने के लिए. तो जैसे कि आप एक फोटो देख सकते हैं, बिजनेस विदाउट फियर, मतलब कि अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मैं यहाँ से एक आइडिया देना चाह रहा हूँ इस फोटो को दिखा करके कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अब इजी कर रहे हैं नॉर्म्स. मतलब कि अब जो है अगर कोई भी गलती होती है तो उसके लिए सीधा सीधा कंपनी के लोगों को या कंपनी को मतलब कि ऑफेंस, मतलब कि सीधा जेल में नहीं डाला जाएगा उनके ऊपर, सीधा टारगेटेड एकदम केसेस नहीं चलेंगे उनको, थोड़ा सा सिंपलर वे में अब किया जाएगा जिससे कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए कंपनी सेटअप करने वाले लोग हैं, तो वो लोग एक फ्री एटमॉस्फेयर फील कर सकें और एक मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों और कंपनी सेटअप करें, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, मतलब ऑब्वियसली अगर LLP एक्ट आने से पहले भी तो कुछ एक्ट रहे होंगे. LLP एक्ट तो 2008 में आया है, तो उससे पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हुआ करता था, जो कि एप्लीकेबल नहीं है फॉर LLP कंपनीज, जो कि LLP कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. सो एंड इट इज रेगुलेटेड एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर. ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, इसमें क्या है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ करता था पार्टनर्स के बीच में, ठीक है. और LLP एक्ट इज वेरी डिफरेंट, ठीक, ओके. कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री इज प्लानिंग टू डिक्रिमिनलाइज 12 ऑफेंसेस. तो ये जो कॉर्पोरेट, इन्होंने ये प्लान किया कि ये 12 ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करेंगे. ओमिट प्रोविजन एंटेलिंग क्रिमिनल लायबिलिटी, मतलब कि क्रिमिनल लायबिलिटी को भी ओमिट करने जा रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में. सो अब यहाँ पे कुछ स्पेशल चेंजेस हैं वो हम लोग देखते हैं. सो क्राइम एंड पनिशमेंट को लेकर के गवर्नमेंट स्टार्ट्स रिव्यू ऑफ कंपनी लॉ टू डीक्रिमिनलाइज सर्टेन ऑफेंसेस, मतलब कि कुछ ऑफेंसेस जो कि क्रिमिनल ऑफेंस माने जाते थे अब उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है. सो व्हाट्स बीइंग रिव्यूड, रिव्यू क्या होगा, कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और कैन बी कंसिडर्ड सिविल रॉन्ग्स और डिफॉल्ट्स, मतलब कि उनको ऐसा सिविल रॉन्ग्स मान लिया जाएगा, डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, उनके ऊपर कुछ खास प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी. मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं, द ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंस जो कि इजिली दो लोगों के बीच में बात करके सॉल्व किए जा सके. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को कैन बी मेड कंपाउंडेबल, उनको क्या करेंगे, कंपाउंडेबल बना देंगे, ठीक है. ये किसका स्टेप है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का. हाउ डज इट हेल्प, ये कैसे हेल्प करेगा,
सिंपल वायलेशन विल नॉट अट्रैक्ट डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। अगर आपने कोई भी मतलब कंपनी ने कोई भी गलती की है छोटी मोटी, तो उस पे आपको कोई बहुत ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो इजिली मैटर सॉल्व किया जाएगा। देयर विल ओनली बी फाइन लेविड इन सच केसेस। ऐसे केसेस में क्या होगा, सिर्फ फाइन दिया फाइन लगाया जाएगा एंड कोर्ट फ्री होंगे बाकी केसेस को लेने में। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं जो हमारी कंपनीज होती हैं बहुत ज्यादा केसेस होते हैं उनमें, और वहां से जो है इजिली सारे केसेस रिजॉल्व नहीं हो पाते। तो इसलिए जो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये स्टेप है, ये एक फ्रूटफुल स्टेप साबित हो सकता है इन फ्यूचर अगर इस स्टेप्स को अच्छे से लिया जाए। एंड आई होप देखते हैं क्या होता है आगे।